हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस में क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं नेचुरल गैस पर तो शुरुआत कर लेते हैं यहां पर कि 8th अगस्त 2023 को यानी कि ट्यूसडे को क्या रह सकता है नेचुरल गैस में और कौन सी चीजें हैं जो कि इंपैक्ट डाल रही हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज बहुत बढ़िया मूव हमें ऊपर की ओर को नेचुरल गैस में देखने को मिला है तो उसका हम यहाँ पे रीजन जान लेते हैं सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टैक्सस जो जगह है वहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी दिनों तक रहने वाला है और हीट वेव्स जो हैं और टाइम तक लंबे समय तक वहां पर रहने वाली है ये वेदर फॉरकास्ट आया था पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था तो वो एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की जरूरत और बढ़ेगी एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस है वो हेल्प करती है उसके प्रोडक्शन में इसलिए नेचुरल गैस की भी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी लेकिन यही एक कारण नहीं है दूसरा कारण यहाँ पर और भी है जो रशिया है उसने ये डिसाइड करा है कि वो आने वाले जो ईयर है उसमें अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट और और डिक्रीज करेगा और ड्रॉप करेगा उसको जो वो एक्सपोर्ट करता है उसका तो यहाँ पर सप्लाई में उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में दिक्कत आएगी और जब सप्लाई में दिक्कत आएगी तो नेचुरल गैस यहाँ पर ऊपर की ओर को जाता हुआ हमें दिख रहा है और ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को गया है तो इन दो न्यूज़ की वजह से ये ऊपर को गया है यहाँ पर लेकिन अगर देखा जाए तो जो इन्वेंट्री है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और जो टैक्सेस के अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं उनमें जो वेदर फॉरकास्ट है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर लग नहीं रहा है कि हीट वेव्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी वहाँ पर वो पहले भी मैं आपको वीडियोज में बता चुका हूँ तो यहाँ पर जो ये मूव हमें देखने को मिला है यहाँ पर उसमें आपको प्रॉफिट uh, बुकिंग भी देखने को मिल सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज सारी के सारी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर देखने को हमें मिली हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ को भी थोड़ा सा आ, देखना चाहिए कि मूव आ सकता है तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं तो यहाँ पर ये यह जो लेवल है टू का ये लेवल है इसके ऊपर आप एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए वन आवर के टाइम फ्रेम पर अगर वन आवर के टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो फिर हमारे जो टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है टू थ्री जीरो पॉइंट एट का और टू थ्री जीरो पॉइंट एट के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट टू थर्टी थ्री का रह सकता है और दोस्तों जो ट्यूसडे है यानी कि एट्थ अगस्त है तब जो है उसमें साढ़े नौ बजे ई की रिपोर्ट आनी है जो एनर्जी आउटलुक के ऊपर रिपोर्ट आनी है तो उसमें अगले आने वाले एक डेढ़ महीने या दो महीने तक का एनर्जी आउटलुक का बताते हैं कि कितनी डिमांड रहेगी कितनी प्रोडक्शन रहेगी तो उसके बेसिस पर यहाँ पर नेचुरल गैस में भी हमें देखने को मिल सकता है तो साढ़े नौ बजे आप ज़रूर नज़र रखिए उसके ऊपर और हम डाटा वाली जो हमारी वीडियो है वो उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन सी कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट डे होने वाली हैं और जिसका इम्पैक्ट रह सकता है कॉमोडिटीज क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के ऊपर तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डाउन के लिए तो डाउन के लिए यहाँ पर डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पर ये इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि 224.5 का ये लेवल है 224.5 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो 221.8 का रह सकता है और 221.8 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो टू टू जीरो पॉइंट थ्री का यहाँ पर रह सकता है डाउन साइड के लिए तो अपसाइड और डाउन साइड के लिए टारगेट्स मैंने आपको बता दें और एक्सएनजी यूएसडी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर नेचुरल गैस में नहीं करना चाहते नेचुरल गैस में क्योंकि एम सी एक्स में हैवी मार्जिन आपको रखना पड़ता है तो आप एक्सएनजी यू एस डी में ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सबसे ऊपर एक्सनेस का आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करिए कर दीजिए और एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियोज यहाँ पर बनाई हुई हैं यहाँ पर आप उन विडियोज की हेल्प से जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं मनी ऐड कर सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं पिप्स क्या होते हैं साइज क्या होते हैं वो सारी की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी और दोस्तों एक्सएन जी यूएस जी में भी आपको जिस तरह के ये लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वही लेवल वहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे लेकिन वहां पर आप सिर्फ पांच या साढ़े पांच डॉलर में ही आप जो है जीरो का लॉट ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं कोई मार्जिन रखने की आपको जरूरत नहीं होती फॉेक्स ट्रेडिंग में और साथ ही गैप अप गैप डाउन की समस्या भी नहीं होती मार्केट जो है कंटिन्यूटी में चली रहती है और साथ ही उनका अपना एनालिसिस होता है अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो टारगेट्स देते हैं आपकी उनमें काफ़ी हेल्प होती है और साथ ही डाटा और न्यूज़ के लिए वो आपको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम तो दोस्तों जल्दी से एक्सन पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज स्प्रेड होगा और साथ ही हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोज पे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो तो दोस्तों हम से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं तो आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाई जा रही हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन हैव अ नाइस डे गुड बाय